मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जिन रतन टाटा ने अपनी प्रेमिका से शादी न कर पाने के कारण जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया, उनका बचपन भी दर्द से भरा था। माता पिता के होते हुए और अमीर परिवार में जन्म लेने के बावजूद रतन टाटा का बचपन एक अनाथालय में बीता। वह एक दत्तक पुत्र के रूप में बड़े हुए। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनके माता पिता नहीं थे, तो इसका भी जवाब हैरान करने वाला है। उनके माता पिता दोनों ही थे, फिर भी उन्हें अनाथालय में भेज दिया गया। आखिरकार उनकी दादी ने उन्हें गोद ले लिया। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, लेकिन रतन जब केवल 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। बेटे की देखभाल कौन करेगा, इसको लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े शुरू हो गए। शायद दोनों में से कोई भी बेटे को रखना नहीं चाहता था, या कोई और भी वजह रही होगी, या फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था। माता पिता रतन को अपने ही परिवार के JN पेटिट पारसी अनाथालय में छोड़ा है। यह देखकर उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने रतन को औपचारिक रूप से गोद ले लिया। रतन टाटा के दादा भारत रत्न JRD टाटा की पत्नी थी नवाज बाई। इस तरह रतन टाटा बड़े हुए। हालांकि तब रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली थी और उनका एक और बेटा नोएल टाटा पैदा हुए। आखिरकार दादी घर वापस नहीं लौटी। कानूनी तौर पर दादी के दत्तक पुत्र होने के बावजूद रतन अपनी सौतेली माँ के बेटे के साथ पले बढ़े।